हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ किचन। मीनूज़ किचन में आज बनाने जा रही हूँ मैं घर की मलाई से मक्खन। तो फ्रेंड्स, ये बर्तन में मेरी जो मलाई है उसको मैं एक ही डायरेक्शन में फेंटती जा रही हूँ। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इस मलाई को हमेशा बार बार जब भी हम बनाएं एक ही डायरेक्शन में ही फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में फेंटते फेंटते थोड़ी देर बाद ही, 5 मिनट बाद ही आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारी जो मलाई है वो गाढ़ी होती जा रही है, वो थिक हो जाएगी। और जब थिक हो जाएगी तो आपको इसमें दाने दाने जैसा दिखाई देगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और जब ये दाने दाने जैसे हो जाए इस तरह से, तो फिर उसके बाद आप फिर पाँच मिनट के लिए जब आप फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में, तब आप देखिएगा कि आपकी मलाई जो है थोड़ी लूज़ हो गई है। पहले टाइट हो रही थी और अब लूज़ हो जाएगी। लूज़ होते होते अगर आपकी मलाई में थोड़ा सा भी दूध की मात्रा होगी, जो हम मलाई इकट्ठी करते वक्त ड्रॉप्स गिर जाती है, अगर वो होगा तो वो अलग हो जाएगा और हमारा जो मक्खन है वो रेडी होता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी जो मलाई है उसमें दूध की बिल्कुल भी मात्रा नहीं है, इसलिए उसमें दूध निकल नहीं रहा है। और फिर हमें उसी तरह से फेंटते फेंटते उसी एक डायरेक्शन में हमें इसको चिकना करना है। फ्रेंड्स, कई लोगों में ये शिकायत रहती है कि हम 2 दिन में मलाई इकट्ठी करते हैं तो हमारी मलाई जो में है जो स्मेल आ जाती है और पीलापन पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप जब भी स्टोर करें, चाहे आप महीने भर के लिए स्टोर करें, आप सिर्फ एक एयर टाइट कंटेनर को ही यूज़ करें। और चम्मच जब भी आप मलाई निकालते हैं, अलग अलग चम्मच को ले, कई लोग करते हैं मलाई जिसमें स्टोर करते थे उसी में ही चम्मच को रख देते हैं ताकि उसी से निकालें। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आप हमेशा एक नई चम्मच का उपयोग करें और एयरटाइट कंटेनर में उसको रखें, फ्रीज़र में ना रखें, आप फ्रिज में रखें। दूसरी बात यह कि जब भी आपको लगता है कि आप स्मेल आ जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जब हम आपको इस तरह से मलाई फेंटते हैं आप और आपको लगता है कि आपकी मलाई में थोड़ी सी स्मेल है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी। आप सोचेंगे पानी? मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल पानी डालेंगे और हमारी उससे स्मेल जो है दूर करेंगे। मेरे में अब स्मेल बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरी फ्रेश 2 दिन की ही मलाई है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन अगर आप उसमें बिना स्मेल के भी अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो हमारा जो मक्खन है और भी चिकना होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि दूध का जो पानी है वो और मलाई जो है अपने आप अलग अलग होती जाएगी। अब ये मलाई नहीं रह गई, अब ये बन गया है मक्खन। देखिए, बिल्कुल अलग हो गया। और अब आप इसका जो पानी है, जो दूध है, उसको आप एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप ये सोचेंगे कि आपका ये इतना सारा दूध जो है वेस्ट हो गया है, तो आप चिंता ना कीजिए। आप इसको आटे को में गूंदने के इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की जगह आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आप जो दाल सब्जी तरी वाली या कोई सी भी सब्जी बनाते हैं उसमें डालिए और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोबारा आपको डाल के दिखाया। हमारा जो मलाई है उसे जो मक्खन बना है वो जो है अब हमारा बहुत चिकना हो चुका है और बिल्कुल तैयार हो चुका है लगभग। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ दूसरी बार, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भी देखिए किस तरह बिल्कुल भी दाना नहीं है और बिल्कुल बाजार जैसा मक्खन हमारा बन के तैयार हो गया है। इस पानी को भी आप निकाल दीजिए और आप चेक भी कीजिएगा कि आप पानी बचे ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैं निकाल दे रही हूँ। यदि फ्रेंड्स आपको इसमें नमक डालना हो, तो जब आप इसमें पानी डाल रहे हो तो आप इसमें नमक डालिए। मैं इसमें नमक नहीं डालने वाली क्योंकि मुझे नमक वाला मलाई जो है, मक्खन जो है, नहीं चाहिए। तो मैं इसमें एक बार और डाल देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि देखिए बिल्कुल क्लीन पानी आ गया। मतलब क्लीन मतलब दूध बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी आपको। और पानी एक अलग सा, जैसे पहले गाढ़ा दूध दूध जैसा लगता है वैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मलाई वाला मक्खन आपको पसंद आता है, ये रेसिपी आपको पसंद आती है, तो आप मेरी इस रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब में बेल आइकन का बटन आप प्रेस कीजिए और ऑल के बटन को क्लिक कीजिए। ऑल को क्लिक करने पे मेरे जो रेसिपीज़ की जो भी नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे और आप मेरी रेसिपीज देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो मेरा ये मक्खन तो तैयार हो गया है। अब मैं इसे बच्चों को पराठे में, चपाती में, दाल में, ऊपर से कढ़ी में, ऊपर से
डाल के दूंगी और इससे मैं जिसमें मैं अपना मक्खन रखती हूँ उसमें डाल के रखूँगी। मैं ही आपको ये यहाँ पे ये दिखा रही हूँ तुम मिला के कि देखिए मेरे इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप ही निकल जाती है। फ्रेंड्स, मलाई से मक्खन तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मक्खन से घी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अगली रेसिपी में दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप इसे बनाइए, बच्चों को एंजॉय करवाइए, आप खुद भी एंजॉय कीजिए और रेसिपी का आनंद लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम चलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय विद फैमिली, गुड बाय, टेक केयर।